इसको आपने होल्ड करके रखना है एंड यहां से इसका कट दिख रहा है आपको आगे से इस साइड से नहीं जाएगा इस साइड से आपको कट दिख रहा है इसको यहां पे आपको करना है हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल आ गए हम आज अपने नए वीडियो पे जो है सिलिकॉन सीलेंट्स के बारे में बहुत डिमांड आ रही थी मेरे को कि सिलिकॉन के बारे में बताओ सिलिकॉन की ट्यूब क्या करती है सिलिकॉन को कहाँ यूज़ कर सकते हैं सिलिकॉन के मल्टीपर्पज यूजेज हैं हमें समझ नहीं आता हमें कारीगर बोलता है कि आप सिलिकॉन लेके आओ वो आपका ग्लास में भी भरा जाएगा यहाँ भी भरा जाएगा वहाँ भी भरा जाएगा आज हम हर चीज़ को समझते हैं कि सिलिकॉन सीलेंट कहाँ यूज़ होगा सो so, आज दो कंपनी के प्रोडक्ट्स लेके आया हूँ मैं एक तो है डॉक्टर फिक्सिट किसी भी तरीके की ज़रूरत नहीं है कि मैं इस कंपनी के बारे में आपको समझाऊं कि भैया जी एक अच्छी कंपनी है गंदी कंपनी है या जो भी है डॉक्टर फिक्सिट ने अपना ऐसा नाम बना रखा है कि इसको किसी भी चीज़ से समझाने की ज़रूरत नहीं है कि ये कंपनी कैसी है सो so, मैं इसका एक प्रोडक्ट लेके आया हूं फाइव ज़ीरो वन डॉक्टर फिक्सिट का सिलीगॉन सीलेंट बहुत ही बिकने वाला प्रोडक्ट है और इसके साथ लेके आया हूं मैं सेवन एट नाइन ब्रांड है सेवन एट नाइन इसका लेके आया हूं वाटर प्रूफ सीलेंट ये दोनों बेस्ट इन क्लास प्रोडक्ट्स है फॉर सीलिंग ज्वाइंट्स किसी भी तरीके के ज्वाइंट्स हो कहीं पे भी जॉइंट्स हो इसको सील कर सकता है बट ये सारे के सारे प्रोडक्ट चाहे ये हो या कोई और कंपनी हो वो वेस्ट है जब तक हमारे पास नहीं है ये सिलीकॉन गन इसको आप यूज कर सकते हैं किसी भी तरीके के ज्वाइंट्स को फिल करने के लिए चाहे वो ग्लास का हो या ग्लास और वॉल के बीच का हो एलमिनियम या ग्लास के बीच का हो एल्यूमिनियम या वॉल के बीच का हो मल्टीपर्पज़ चीज़ है आप इसको यूज़ कर सकते हैं बहुत ही इजी टू तो अप्लाई चीज़ है और ये मल्टीपर्पज यूज़ के अंदर आती है एंड ये वाटर प्रूफ होती है तो इस पर पानी का कोई फर्क नहीं पड़ता सिलीकॉन उसी तरीके का है जैसे हम पेंट के अंदर देखते थे सिलीकॉन पानी आता था रुकता नहीं था एक तरीके का वाटर रिपलेंट था उसी तरीके के दोनों की दोनों मैं चीज लेके आया हूं ये दोनों की दोनों वाटर रिपलेंट है जगह को फिल करते हैं एंड लीकेज नहीं होगी ये जो दोनों प्रोडक्ट हैं इनको आप यूज कर सकते हैं अपने वॉशरूम्स के अंदर बाथरूम्स में किचन्स में शावर पैनल्स जो नहाने के लिए पैनल्स लगते हैं आजकल बड़े बड़े पैनल्स उसके और वॉल के बीच में गैप होता है जहां से पानी निकल सकता है उसमें आप इसको भर सकते हैं किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत और कोई भी परेशानी नहीं आएगी और आप इसको यूज़ कर सकते हैं बाथरूम में जो आपके नॉर्मल होता है वॉश बेसिन होता है उसके और वॉल के बीच में जो गैप होता है जहां से हो सकता है कि सीलन आ जाए या किसी तरीके से पानी लीक हो जाए उसके बीच में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं बहुत ही इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट है ये दोनों प्रोडक्ट एप्लीकेशन के बाद लटकते नहीं हैं बल्ज नहीं खाते हैं निकलते नहीं हैं लीक नहीं करेंगे अच्छी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं बहुत ही ब्रांडेड चीज़ है और आजकल ये वाली चीज़ें आपको ऑनलाइन में मिल रही हैं ऑनलाइन बिल्कुल मिलेंगी अच्छे रेट्स में मिलेंगी हो सकता है नॉर्मल जो आपको शॉप्स में मिले उससे भी सस्ती मिले सो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वहाँ से जाके इसको बाय भी कर सकते हैं और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस गन के अंदर ये वाली बुलेट्स कैसे so, जैसे आप देख रहे हैं ये सिलिकॉन की गन है बहुत ही यूजफुल चीज है सो इसको तो हो नहीं दिखाते हो और चल देते हो सो so, आज हम बताते हैं इसको आपको यहां से प्रेस करना है इसको नॉर्मली इसको आप प्रेस करेंगे तो ये पीछे हो जाएगा एंड इसको आपने होल्ड करके रखना है एंड यहाँ से इसका कट दिख रहा है आपको आगे से इस साइड से नहीं जाएगा इस साइड से सा आपको कट दिख रहा है इसको यहाँ पे आपको करना है और उससे पहले इसको ऐसे डालने से पहले इसको आपको यहाँ से करना है ओपन एंड इसको यहाँ से कट करना है नॉर्मली नाइफ से भी कर सकते हैं चक्कू से भी कर सकते हैं आप किसीजर से भी कर सकते हैं किसी भी चीज़ से कर सकते हैं एंड इसको फिर खोल के वापस इसको रीकैप करना है रिकैप करने के बाद ये वाला आपको गैप दिख रहा है इसमें से आपका सिलिकॉन निकलेगा एंड इसको डालना है गन के अंदर गन में डाला ये सेट हो चुका है जैसे इसको सेट होना था सो फिर से आपने इसको प्रेस करना है थोड़ा सा इसको आगे करना है एंड ये बिल्कुल टाइट हो चुका है अब आपने खाली इसको ऐसे यहां से प्रेस करना है एंड सिलिकॉन निकलना स्टार्ट एंड जैसे आपको यहां पे भरना है तो आप इस तरीके से इसको ऐसे लाइन से भर सकते हैं किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी आप इसको किसी भी तरीके की फूड आइटम्स के साथ या किसी भी किचन में जहां पे आप खाना रखते हैं उसकी जगह पे आप इसको यूज ना करें और अगर यूज करें तो उसमें काफी गैप दें कि जैसे आपने उस जगह को एक हफ्ता छोड़ दिया कि ये वाला है इसका कोई भी इफेक्ट या कोई भी स्मेल उसके अंदर ना रहे एंड ये जो प्रोडक्ट है फूड ग्रेड सर्टिफिकेट के साथ नहीं आता है सो so, थोड़ा सा हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं आपके फूड आइटम्स के लिए और जो भी कोई वाटर से रिलेटेड चीज़ हो गई जैसे फ़िश हो गई एक्वेरियम ग्लास का है आप उसको यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं बट एक्वेरियम को आपको खाली करना पड़ेगा और जो सारी फिशेज हैं उनको अलग से करना ही पड़ेगा एंड एक हफ्ते के लिए उसको यूज़ नहीं करना है आपने उसके बाद जब सील हो जाए तो उसमें पानी भर के छोड़ें एंड उसके एक वीक के बाद ही उसके अंदर वापस फिशेस को डालें क्योंकि ये थोड़ा सा हार्मफुल प्रोडक्ट है थोड़े केमिकल्स तो हैं ही इसके अंदर सो थोड़ा सा हार्मफुल रहेगा जो अब बात करें हम इसकी प्राइस रेंज की तो इसकी प्राइस रेंज अराउंड आती है डेढ़ सौ से दो सौ के बीच में दो सौ अस्सी तीन सौ एम एल की पैकिंग के अंदर ये प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं वाइट में आते हैं क्लियर में आते हैं ब्लैक में आते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो गन को भी परचेज़ करें और आ, इस केमिकल को भी परचेज़ करें आपके यूज़ की चीज़ है और आपको फ़ायदा ही देगी सो so, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखें अपनी फैमिली का ख्याल रखें मेरे वीडियोस को लाइक करे, करे, करें शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू